जमीन पर पड़े ये मरीज, कुर्सी पर बैठे ये मरीज और बेंच पर लेटकर बेड का इंतजार करते हुए ये मरीज। ये दृश्य है बरेली के 300 बेड कोविड अस्पताल का। इसको देखकर तो बस यही कहा जाएगा कि योगी जी आपके अस्पताल अब खुद ही वेंटिलेटर पर चले गए हैं। एक के बाद एक मिल रही शिकायतों के बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने कोविड स्पेशल अस्पताल का जायजा लिया। जायजे में वो सब सामने आया जो प्रशासन के पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है। इस सच ने जिला प्रशासन की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी, क्योंकि यहाँ मरीज को बेड नहीं मिल रहे। मरीज जमीन पर और कुर्सी पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। कितने ही मरीज ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के फासलों को बेहद करीब से महसूस करते नजर आ रहे थे। आलम यह था कि इलाज के इंतजार में मरीज मौत के मुँह में चले जा रहे थे। ये हमारे भैया जिसके लिए हम लेके आए, यहाँ पे इनको बुखार था, इनके लिए ना कोई ऑक्सीजन की बढ़िया सुविधा थी, ना वेंटिलेटर दिया गया यहाँ पे, और नीचे जमीन पे मतलब जो है वहाँ फर्श पे निकाल दिया, बेड भी नहीं दिया गया है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, कहीं पर इनका उपचार नहीं हो पाया बिल्कुल सही से। भाई का क्या नाम है जी? महेंद्र पाल सागर। और कोई बढ़िया करके लोगों ने व्यवस्था नहीं की है, सब परेशान है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे भाई हैं, हमारा तो सब कुछ चला गया, हम बर्बाद हो गए। दरअसल न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम वहां पहुंची। वहां पहुंचने पर एक तीमारदार ने बताया कि उसके मरीज को सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन बेड नहीं मिला। आखिर में जब उसकी हालत बिगड़ी तो जमीन पर चादर बिछाकर उसको ऑक्सीजन लगा दी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिजनों के मुताबिक अस्पताल प्रशासन अगर उनको सही समय पर इलाज मुहैया करा देता तो उसकी जान बच सकती थी। रॉयलखंड में भर्ती हो जाएंगे, वो रेफर दिया था बनाए गए, वहाँ गए तो वहाँ पर भर्ती ही नहीं लिया। फिर तमाम अस्पतालों में गए लेकिन कहीं पर किसी ने भर्ती नहीं लिया। यहाँ पर थे एक संबंध के, तो उनने बेचारों ने ऐसे ही उसमें गेट में लिटाला था, चादर बिछाए गए तो वो उसमें वो गेट पर लिटाए गए, तो उनने ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया था और सुबह से ऑक्सीजन के बल पर जिए थे वो, अब हमारे भाई ख़त्म हो गए। तो आपको बेड यहाँ नहीं मिला? कोविड नहीं मिला, बेड कुछ नहीं मिला, कोविड जांच करा लो। कहा बहुत कुछ, कोविड की जांच हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारे पास बेड नहीं है, बेड नहीं है और कुछ। तो ऐसे ही जमीन पे लेटा दिया, जमीन का चादर से लेटे, हमारा तो सब कुछ गया, हम तो बर्बाद हो गए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम आज वहां पहुंच गई जहां तक शायद एक आम आदमी नहीं जा सकता था, क्योंकि यहां जरा सी लापरवाही हमें कोरोना की गिरफ्त में ले सकती थी। ऐसे में सिर्फ यहां अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि यहां के अस्पताल मरीजों को किस तरह से इलाज मुहैया करवा रहे हैं, जो अस्पताल आज खुद ही वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। बरेली से पवन कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।